हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 28th ऑफ जुलाई से लेके 3rd ऑफ अगस्त तक की। एंड चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में लव में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, एंड यूनिवर्स में क्या मैसेज देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द कार्डिनल। ओके, तो हमारे पास कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का। लगता है स्कॉर्पियन किसी से बिल्कुल आपका नो कॉन्टैक्ट है, या कोई बिल्कुल चुप हो गया अचानक से, एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन के मन के अंदर चल क्या रहा है, ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी चीज़ से भाग रहा है। ओके, इन्हें लगता है कि शायद भागने से इन्हें कोई ना कोई बाहर का रास्ता मिल जाएगा। अब मैं ये कहना चाहती हूँ इससे, बाहर के रास्ते से, कि शायद ये पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहा है कहीं, और इन्हें लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप में वो अभी हैं, यानी आपके साथ, ये रिलेशनशिप बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांग रहा है या बहुत सारे चेंजेस मांग रहा है, और ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जिनके लिए चेंजेस आसान होते हैं। ओके, आई थिंक आप एक टॉरस या वर्गो से डील कर रहे हो सकते हैं, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। खैर, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, एंड इस पॉइंट पे इस पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है हर्मिट मोड में है ये, अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर्सन को इस वक्त कुछ चूज़ करना है, इनके पास चॉइसेस हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सोच रहा है कि शायद इस चेंज से बचा जा सकता है अगर इस रिलेशनशिप को ही चेंज कर दिया जाए, एंड ये एक आसान तरीका हो सकता है। चेंजेस उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होंगे और रिलेशनशिप को चेंज करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मूव ऑन कर ही जाएंगे और पुरानी बातों को भूल ही जाएंगे। बट ये सिर्फ इनकी इनिशियल सोच है, ऐसा अभी इनको लग रहा है, इसलिए बिल्कुल साइलेंट है। हो सकता है आपने इन्हें कोई टेक्स्ट भेजा हो या कॉल किया, उसके बाद आपको कॉल बैक ना आया हो या इन्होंने टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया। ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है इंटेंशनली, उन्हें लगता है ऐसा करने से आप भी धीरे धीरे उन्हें भूल जाएंगे, वो भी आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे, और लाइफ आगे बढ़ जाएगी। लाइफ आगे बढ़ेगी तो ज़रूर, मगर वैसे नहीं जैसे ये सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि टू ऑफ स्फेयर के साथ मैं देख रही हूँ उस पर्सन को काफ़ी मानसिक तनाव है। दिमागी तौर पर ये पर्सन पूरी तरह से हेल्दी नहीं है इस पॉइंट पर, काफ़ी डिप्रेस्ड हो सकता है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं ये। जाहिर सी बात है कि वो अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस इस वक्त अपने कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा है, और यही चीज़ उनसे लाइफ में बहुत कुछ छीन चुकी है। ओके, ये पर्सन अपने करियर में बहुत कुछ लूज़ कर चुका है इस चेंज ना लाने की वजह से, जैसे है वैसे बने रहने की वजह से। ये पर्सन अपने लाइफ में इस तरह की सिचुएशन में कई बार पड़ा है, और हर बार उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चूज किया, हर बार नुकसान किया, मगर इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। ये पर्सन फिलहाल चूज तो कर रहा है अपने कंफर्ट जोन को, सोच रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी उनका काम बन ही जाएगा और उन्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। बट ये पर्सन अभी अनजान है कि आगे चीजें कैसी अनफोल्ड होंगी। ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ऐसा लग रहा है एक तरफ तो ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा है और अपनी फीलिंग से भी दूर भाग रहा है, मानसिक तौर पे स्ट्रगल कर रहा है और परेशान है, साथ में आपको भी इसी सिचुएशन में डाल रखा है इन्होंने, और दूसरी तरफ आपका इंतज़ार भी है। अजीब सी सिचुएशन है, ये पर्सन चाहता है कि आप उनके पास आए, उन्हें अप्रोच करें, आप दोनों के बीच बातें हों, आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन हो,
मगर जैसे ही आप कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, ये पर्सन आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा. ओके, इनका दिमाग इनसे कहेगा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जा पाएंगे, या आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाएंगे इस रिलेशनशिप को चूज़ करने के लिए. यहाँ पे ये पर्सन अभी भी कोशिश कर रहा है कि जितनी दूर हो सके आपसे वो जा पाए, बट ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, क्योंकि अगला ही कार्ड कार्डिनल का है. कार्डिनल के कार्ड के साथ ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इन्होंने खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट चाहे जो भी हालात हैं, ये पर्सन आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं. और ये सारी चीज़ें बहुत कुछ क्लियर कर देंगी. ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. एस्ट्रोनॉमर, फोर ऑफ स्टार्स, द मून, टेम्परेंस एंड इनिशिएट, एक्सक्यूज मी. तो हमारे पास है एस्ट्रोनॉमर का कार्ड. एस्ट्रोनॉमर के साथ ये पर्सन डेफिनेटली फील कर रहा है जैसे कि वो कहीं स्टक हो. चूज करने को तो उन्होंने चूज कर लिया, जो भी चाहते थे वैसा करने की कोशिश की, बट अब उन्हें महसूस हो रहा है जैसे कि वो एक अंधेरी जगह पे बंद है और अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से जीना. और ये पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश करें आपके बारे में सोचने से या बात करने से खुद को नहीं रोक पा रहा. ओके, कॉन्टिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है और चाहता है कि आप किसी ना किसी तरीके से उनके टच में बने रहें. मतलब टच में बने रहने से मेरा मतलब है यहाँ पे कि आप उनके थॉट्स में बने रहें, क्योंकि आपके बारे में सोचे बिना इस पर्सन को चैन नहीं मिलता. या यूँ कह सकते हैं कि आपके बारे में सोच कर उन्हें लगता है जैसे कि आप अभी भी वहाँ हैं, आपकी एनर्जी से वो कनेक्टेड फील करते हैं और यही उनके हिसाब से टच में रहना है. क्योंकि बाकी सब तरीके से तो ये डर रहे हैं और भाग रहे हैं, मतलब कॉल, टेक्स्ट, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें इन्हें लगता है कि इन्हें हार्म करेंगी और आपकी तरफ खींच लेंगी. द मून के कार्ड के साथ फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं एंड टेम्परेंस के साथ चेंजेस भी आएंगे. तो फिलहाल इनका जो भी स्टैंड है वो चेंज होगा ही होगा. एंड इनिशिएट के कार्ड के साथ वेट कीजिए, ये पर्सन खुद ब खुद आप तक चला आएगा. ये पर्सन अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट इनिशिएट करेगा, क्योंकि आप जब भी इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा. ओके, तो बेहतर होगा कि आप अपनी जगह पे वेट करें शांति से और चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स. तो पुरानी चीज़ों को अब भूलना ज़रूरी है, पुराने चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है ताकि आप उनको फाइनली सॉल्व करके आगे बढ़ सकें. कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बार बार सरफेस पे आ रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं. तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके पास आएगा ही, बट आपको भी ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि क्या आप एक ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं. ये पर्सन उन लोगों में से हो सकता है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है. ओके, एंड अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप इसे स्टैंड कर सकते हैं. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.